चलते गैरसैंण के भराड़ीसैंण में चल रहे बजट सत्र का आज छठा दिन है। सुबह से ही विधायकों की देहरादून दौड़ चर्चाओं में रही है। आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है जिसमें शामिल होने के लिए बीजेपी के कई नेता विधायक देहरादून के लिए रवाना हुए, जिस पर सियासत भी देखने को मिली है। सदन की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष पर विपक्ष किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार पूर्ण बहुमत में है और कई मंत्री नेता सदन में मौजूद हैं। वहीं कांग्रेसी नेता ममता राकेश ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सदन चलाना चाहते हैं लेकिन सत्ता पक्ष के नेता इस दौरान नदारद नजर आए। तो आज भी कार्रवाई रही लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष सवालों से बच रहा है और ऐसे में बीजेपी भी अपना बचाव कर रही है, पूर्ण बहुमत में है, लेकिन ये कहना है विपक्ष का कि सदन से नदारद होना ठीक नहीं है बीजेपी के नेताओं का। तो आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है जिसमें शामिल होने के लिए बीजेपी कई नेता विधायक देहरादून के लिए रवाना हुए हैं, जिस पर सियासत भी देखने को मिली है। सदन की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष के किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार पूर्ण बहुमत में है और कई मंत्री नेता सदन में मौजूद हैं। वहीं कांग्रेसी नेता ममता राकेश ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सदन चलाना चाहते हैं लेकिन सत्ता पक्ष के नेता इस दौरान नदारद नजर आए। सरकार स्थिर नहीं है, तो सरकार बिल्कुल चट्टान की तरीके से है। यदि 70 में से 57 विधायकों वाली सरकार स्थिर नहीं होगी तो कौन सी स्थिर होगी? बिल्कुल चट्टान की तरीके से है। जहाँ तक मंत्रिमंडल का विस्तार फलाना ढिमकाना, ये मैं बहुत बार बार रिपीटेडली कहता हूँ कि ये तो एक चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप का प्रेरोगेटिव होता है। उनको कभी भी लगे कि उनको कोई एडिशनल हैंड्स की ज़रूरत है तो कर सकते हैं, और नहीं तो काम करने वाले मंत्रिमंडल है, बहुत इफेक्टिव कैबिनेट है और बहुत सारे दायित्वधारी है जो सरकार के महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो सरकार बहुत दक्षता, बहुत तेजी के साथ, बहुत एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है और इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं जिसके आप सब लोग गवाह हैं। सत्ता पार्टी बहुत बड़े बहुमत में सदन के अंदर हैं और विपक्ष के भी कई माननीय विधायक जा चुके हैं, ठीक है, तो इसमें तो कोई ऐसी कोई खास बात है नहीं, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। हम तो सदन पूरा चलाने के मूड में हैं, हम चाहते हैं सदन पूरा चलना चाहिए और हम यहाँ पर पूरी शिद्दत के साथ बैठे हैं, बड़ी गंभीरता के साथ हर एक विषय को लेकर चल रहे हैं जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लेकिन लगता है कि सरकार को जाने की जल्दी है, सरकार जैसे अपना बैकअप किए बैठी है और जाने के मूड में। आप देखिए सत्ता पक्ष के विधायक की संख्या बल देख लीजिए, सत्ता पक्ष के कितने विधायक ऐसे चले गए हैं, मुझे नहीं लगता कि 20-25 विधायक सिर्फ यहाँ होंगे और हम लोग पूरी मजबूती के साथ लेंगे। हम चाहते हैं पूरा सदन चले और पूरी ईमानदारी के साथ सदन चलाने के मूड में। तो ऐसे में सदन में भारी मात्रा में, मतलब पूरी संख्या में विधायक न होने पर सियासत शुरू हो गई है बीजेपी की कोर कमेटी।